हैं। छात्रों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेगुलर पेंटागॉन्स ड्रॉ करने की जनरल मेथड्स को हम समझेंगे। डिफरेंट टाइप से पेंटागॉन्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड मेथड यूज करना जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कोई भी मेथड से पेंटागॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई पेंटागॉन ड्रॉ करना है, हमारे पास जनरल एक पेंटागॉन ड्रॉ करना है जिसकी एक स्टैंडर्ड हमने साइज यहाँ ले रखी है, इक्वल टू 40 mm जो है हमारे पास अवेलेबल है। हम 40 mm साइड का डिफरेंट मेथड से पेंटागॉन ड्रॉ करना यहाँ पे सीखेंगे या ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पेंटागॉन ड्रॉ करने के लिए हम सेमी सर्किल मेथड से पेंटागॉन ड्रॉ करेंगे, और जो पेंटागॉन की जो साइड है ये 40 mm है। तो यदि हमें सेमी सर्किल मेथड से पेंटागॉन ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस 40 mm रहेगी। यहाँ पे सेमी सर्किल मेथड से पेंटागॉन ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो पहले एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन के ऊपर एक हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन है, इस लाइन पे हमने प्रकार लेके इसकी जो रेडियस है 40 mm मार्क कर ली। ये हमने और यहाँ से इस तरीके से एक हम यहाँ पे सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। इस सेमी सर्किल का ये सेंटर है यहाँ पे ओ, या हम इसको इस सेंटर को ए मान लेंगे, और ये इसका एंड है बी। अब हम इस सेमी सर्किल के ऊपर इस सेमी सर्किल को हम इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम 180 डिग्री को एंगल मेजर करके 5 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 5 इक्वल डिविजन 180 डिग्री को 5 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करेंगे तो जो एक डिविजन है उसका जो एंगल आएगा 36। सो जो एक एंगल होगा, एक डिग्री का एंगल 36 का होगा। यहाँ से हम 36 एंगल मार्क कर देंगे। सो यहाँ पे 36 ये हो जाएगा, इसको डबल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 72। इसको ट्रिपल कर देंगे तो हो जाएगा 108। इसके और हम आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 144। और रिमेनिंग पोर्शन बचेगा ये 36। इस तरीके से हम इसको सर्किल को इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसकी यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। तो ये लाइन खींच दी, लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम इसकी मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी हम नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम यहां से इसमें जो 2 नंबर की रेडियस है, इस रेडियस से हम पेंटागन ड्रॉ करेंगे। इस रेडियस से पेंटागन ड्रॉ करने का है, इसको छोड़ के जो अदर्स हैं इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। रेडियस 3 इसको एक्सटेंड कर देंगे, और ये जो रेडियस 4 है इसको भी हम एक्सटेंड कर देंगे। ये एक्सटेंड करने के बाद जो हमारे पास प्रकार है, प्रकार रेडियस के बराबर ओपन है, इस प्रकार से हम रेडियस के बराबर ओपन है इस पे एक आर काटेंगे, और इसको सेंटर मान के बी को सेंटर मान के यहाँ से एक आर काट देंगे। ये पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे कि
इन पॉइंटों को हम मिला देंगे, हमारा ये पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा पेंटागन ड्रॉ हो गया। देन इस मेथड से हम इस तरीके से पेंटागन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम हाईलाइट कर देंगे, ऐसी पेंसिल से विजुअल लाइन से ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसी पेंसिल से ये और इस तरीके से ए बी सी डी और ई, ये हमारा पेंटागन बनाने की एक मेथड हो गई। अब हमारे पास जो दूसरी मेथड है, इस मेथड में हम जो सर्कल ड्रॉ करना है, जिसकी जो साइड दी हुई है उस साइड उसकी साइड से हाफ रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम फिर पेंटागन ड्रॉ करेंगे। ये सेकंड मेथड है। रेडियस जो हमें साइड दी हुई है, साइड 40 mm दी हुई है, यहाँ पे अब हम साइड का हाफ यानी 20 mm जो है रेडियस लेके यहाँ पे दूसरी मेथड से पेंटागन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे पास मल्टी पॉलीगॉन ड्रॉ करने की मेथड है। इस मेथड में हम कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। मेथड की प्रोसेस ये है कि जितनी साइड का पॉलीगॉन ड्रॉ करना है उस साइड का हाफ हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमारा सेमी सर्कल हो गया हाफ। इसमें हमारे पास तीन पॉइंट अवेलेबल हो गए हैं। पॉइंट एक सेंटर पॉइंट हो गया ओ, पॉइंट हो गया ए और ये हो गया बी। जो ए और बी है ये हमारे पेंटागन की साइड है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ये जो परपेंडिकुलर लाइन और ये जो सेमी सर्किल है जिस पॉइंट पे मिल रहा है, इसको हम पॉइंट फोर की नंबरिंग कर देंगे। इसलिए हमारा पॉइंट फोर कहलाएगा। अब हमारे पास पॉइंट बी को सेंटर मान के हम ए से पॉइंट बी को सेंटर मान के ए से एक आर्क काटेंगे, जो कि हमने ये स्टैंडर्ड लाइन ली हुई है ओपी, ओपी लाइन है, इस ओपी पर काट देगा इस तरीके से। इसके सेंटर को लेके ये हम आर्क काट देंगे। ये आर्क जिस पॉइंट पर कट रही है ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सिक्स। अब हम पॉइंट फोर और पॉइंट सिक्स को बाइसेक्ट कर देंगे। पॉइंट फोर और पॉइंट सिक्स को बाइसेक्ट करने का तरीका ये है कि हम पॉइंट बी को पॉइंट फोर को सेंटर मान के इसके दोनों साइड में आर्क खींच देंगे और सिमिलरली पॉइंट सिक्स को सेंटर मान के आर्क खींच देंगे। आर्क खींचने के बाद इन दोनों को हम मिला देंगे। जिस जगह पर मिलेगा ये हमारा पॉइंट फाइव होगा। तो ये जो पॉइंट फाइव है या हम इसको अब सेंटर फाइव बोलेंगे। अब हम इसको सेंटर फाइव बोलेंगे। तो सेंटर फाइव का मतलब ये है कि जो भी पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करना है उस पॉइंट में ये जो नंबरिंग आ रही है, इस नंबर को सेंटर मान के इस नंबर का पॉलीगॉन हमारा ड्रॉ कर जाएगा इस सर्किल के अंदर। यानी कि इसको रेडियस मान के पॉइंट बी और ए से यदि हम आर्क खींचते हैं, ये जो आर्क खींचेगा ये आर्क इस नंबर के पॉलीगॉन को ड्रॉ कर देगा अपने अंदर। तो ये देखिए, जैसे ये हमने खींच दिया, अब हम देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये भी जो साइड है पेंटागन की साइड है, इसके बराबर
लेंथ मार करके हम इस सर्किल के अंदर ये पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आर्क हम यहाँ से स्कोर मिला देंगे, ये देखिए प्रॉपर आ गया, ये पॉइंट हमारा मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ से मिल रहा है, ये देखिए ये हमारा इसके अंदर पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा। इनको हम मिला देंगे, पॉइंट आ जाए ए बी सी डी एंड ई, ये ए बी, इन सभी पॉइंटों को हम एचपी पेंसिल से मिला देंगे। सो ये पॉइंट है हमारे पास ए बी, यहां से यहां से यहां से। अब नेक्स्ट मेथड है हमारी पेंटागन ड्रॉ करने के लिए, वो है एक्सटीरियर एंगल मेथड। एक्सटीरियर एंगल में हम जो है जो भी पेंटागन ड्रॉ करना है उसकी साइड पर एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो पेंटागन के लिए रहता है वो 72 डिग्री का रहता है। तो यहाँ से हम साइड की लेंथ मेजर कर लेंगे, साइड की लेंथ हमें दी हुई है 40 mm, तो यहाँ से हम 40 mm साइड की लेंथ मेजर की हमने, ये 40 mm हो गया। ए बी ए एंड बी मेजर कर लेंगे, ये देखिए ये पूरा 40 mm है। अब हम इसके पॉइंट ए और पॉइंट बी से इसके एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री जो है हम यहाँ पे मेजर करेंगे। इस लाइन को हम यहाँ एक्सटेंड कर देंगे ये इस तरीके से। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर 72 डिग्री एंगल मेजर करेंगे, तो एक्सटीरियर बाहर से 72 डिग्री 70 हो गई, 72 यहाँ पे आएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे 72 डिग्री यहाँ पे आएगा। ये इन दोनों पॉइंटों से ए से होते हुए हम एक इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे। सिमिलरली यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और ये जो एंगल है 72 डिग्री, सिमिलरली ये एक्सटीरियर एंगल है 72 डिग्री। आप प्रकार की हेल्प से साइड के बराबर आर्क हमने मेजर कर रखी है, रेडियस ओपन कर रखी है, इससे हम आर्क काट देंगे। आर्क काटने के बाद फिर तरीके से और एक इस तरीके से ये आर्क जो है ये काट देंगे, इनको हम ला देंगे। हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं पॉइंट हो जाएंगे हमारे ए बी सी डी एंड ई, इनको हम एचपी पेंसिल से मिला देंगे, तो हमारे पास ये एक डिफरेंट तरीके से पेंटागन बनाने की जो मेथड है वो फाइंड आउट हो जाएगी, या पेंटागन इस तरीके से हम इस मेथड से पेंटागन बना पाएंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही फास्ट मेथड है। मोस्टली हम इसी तरीके से पेंटागन को ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमारे पास उस समय पे एंगल मेजरमेंट करने के लिए प्रोट्रैक्टर होना चाहिए। यदि हमारे पास प्रोट्रैक्टर नहीं है एंगल मेजर करने के लिए, इस मेथड से हम पेंटागन को नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हमारे पास पेंटागन प्रोट्रैक्टर है तो हम इस तरीके से कोई भी इस तरीके से हम पेंटागन को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आर्क मेथड है, इससे हम आर्क की हेल्प से यहाँ पे हम पेंटागन इंटीरियर एंगल मेजर करके आर्क की हेल्प से इस
तरीके से हम पेंटागन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये पेंटागन की साइड दी हुई है 40 mm, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे पहले 40 mm साइड। तो ये यहाँ से 40 mm लाइन ए बी, इस पे इंटीरियर एंगल हमें मेजर करना है 108 degree इंटीरियर यानी अंदर से, इंटीरियर अंदर से हम 108 degree मेजर करेंगे। 108 degree यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए इंटीरियर एंगल मैंने इस साइड से 108 यहाँ पे आएगा। इन दोनों एंगल्स पे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इनके एंगल्स हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 108 degree। सिमिलरली यहाँ पे भी 108, अब इसके बाद सेम यहां से यहां खींच देंगे और एक आर्क यहां से ये खींच देंगे। जिस पॉइंट पे कट रहे हैं इनसे एक और आर्क यहाँ ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा। इसको हम मिला देंगे, तो इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे इसको हम सेम यहाँ से मिला देंगे। सिमिलरली यहां से और यहां से और यहां से हमारा पेंटागन हो जाएगा। नंबर हो जाएंगे ए बी सी डी ई। अब नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है हमारी सर्कल मेथड से। इसमें हम एक पेंटागन सर्किल की हेल्प से पेंटागन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्किल की हेल्प से किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे 40 mm, जितने साइड का हमें सर्किल ड्रॉ करना है। तो यहाँ से 40 mm ये है ले लिए, लाइन ए और बी, लाइन ए और बी। अब हम पॉइंट एंड ए को सेंटर मान के बी से एक आर्क खींच देंगे इस तरीके से। ए को सेंटर मान के बी की ओर यहां पे हम ए को सेंटर मान के बी की ओर एक सर्कल खींच देंगे। सिमिलरली यहाँ पे बी को सेंटर मान के ए की ओर एक सर्कल खींच देंगे। सर्किल ए और बी जिस जगह पे नीचे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको सेंटर मान के ये एक आर्क खींच देंगे, ये सर्कल खींच देंगे। सर्कल को खींचने के बाद अब हम
ये जो कटिंग पॉइंट्स हैं, ये जो सर्किल मिल रहा है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि आर का मिड पॉइंट भी रहेगा, और इस मिड पॉइंट जो ये पॉइंट्स है यहाँ पे जिसपे कट रहा है एम पॉइंट, और यहाँ पे ये क्यू पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे हमने आर पॉइंट ले लिया, ये एस पॉइंट ले लिया, तो एस से एम की ओर जाते हुए, एस से एम की ओर जाते हुए एक हम लाइन खींचेंगे, ये लाइन यहाँ पे कट जाएगी, ये जो लाइन है इस जगह पे कटेगी, ये हमारा ई पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली आर से एम की ओर एक लाइन यहाँ से खींचेंगे जो कि ये यहाँ पे ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, और इस आर्क से इतना ही आर्क लेते हुए यहाँ से कट लगा देंगे और एक यहाँ से कट लगा देंगे ये, और इन सभी को हम कटिंग पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। इन सभी को हम मिला देंगे तो ये हमारा पेंटागन, रेगुलर पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा, जिसमें हमने ये और ये हमारा पेंटागन हो गया। हम इसको एच बी पेंसिल से, डार्क पेंसिल से यहाँ पे मिलाजिन कलर यूज कर रहे हैं ये, ये 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 और ये। नेक्स्ट जो मेथड है हमारी वो है आर्क मेथड है। इसमें हम थ्रेड की पहले हम एक लाइन खींचते हैं, आर्क मेथड है ये भी, और इस तरीके से आर्क के ये ले लिया हमने 40 mm, इसके परपेंडिकुलर इतनी ही लाइन हम खींच देंगे इस तरीके से। 40 mm खींचने के बाद अब हम यहाँ से ये लाइन हमारी ए बी है, इसको आर्क की हेल्प से फिट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, वो आर्क की हेल्प से हम इक्वेट कर लेंगे। तो ये लाइन है, इसको हमने ये इक्वेट कर लिया। इक्वेट करने के बाद इस लाइन का हाफ, ए बी का हाफ, ए बी का हाफ 20 आएगा क्योंकि टोटल 40 है। सो हम ये यहाँ से ए बी का हाफ, ये हमारा पी हो जाएगा, पॉइंट पी। तो जो पॉइंट पी है, और हमारे पास ये जो पॉइंट है पॉइंट क्यू है। अब हम P को सेंटर मान के Q से आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क है ए बी लाइन के पैरेलल काटेगी, ए बी लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, और एक्सटेंड करने के बाद ये यहाँ पे M पॉइंट पे काटेगी। अब हम A को सेंटर मान के M से एक आर्क खींचेंगे ये आर्क जो रहेगा, ये आर्क हम आर्क खींचने के बाद इतना ही आर्क हम यहां से
इधर निशान लगा देंगे ये। अब इस आर को कंपास को ए बी के बराबर मान के बी को सेंटर मानते हुए इस आर को काटेंगे। सिमिलरली ए को सेंटर मानते हुए इस आर को काट देंगे और यहाँ पे जो आर कटा हुआ है इसको ऐसे और यहाँ से ये हमारा पेंटागन ड्रॉ हो जाए। इन सारे पॉइंटों को हम मिला देंगे तो हमारा यहाँ पे पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा। देखिए यहाँ से मिला देंगे ये, सिमिलरली यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से और यहाँ से ये हमारा ए बी सी डी एंड ई ये पेंटागन हो। अब हमारे पास जो लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड जो है हमारी परपेंडिकुलर मेथड है और ये परपेंडिकुलर जो होता है पेंटागन के लिए कैलकुलेटर से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये इसकी जो लेंथ होती है ये साइड के कंपेरिजन में 1.54 होती है, 1.54। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो भी साइड लेना है कोई भी साइड ले लेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 40 mm है, यहाँ से हम 40 mm लेंथ लेंगे, 40 mm लेंथ ले ली। ये ए बी है, ए बी और ये हमारी यहाँ से 40 mm है, इसके हम डायमेंशन यहाँ मार्क कर रहे हैं, ये 40 mm है। अब इसके सेंटर से हम इसका जो हाफ आएगा परपेंडिकुलर डालेंगे और ये जो परपेंडिकुलर है इस तरीके से रहेगा और इसकी जो पी, इसकी जो हाइट हम लेंगे यहाँ से, जो हमें हाइट लेना है इसकी, इसकी एच है और एच इक्वल टू होगा 1.54 इंटू साइड और ये जो वैल्यू आएगी 1.54 इंटू 40, इसकी वैल्यू हो जाएगी कि जो हाइट आएगी 61.6 mm। तो यहाँ से सेंटर से 61.6 mm हम मार्क कर लेंगे, 61.6 mm यहाँ पे ये हाइट आ जाएगी और इसकी जो है डायमेंशन यहाँ से यहाँ पे हम डायमेंशन लाइन मार्क कर देंगे, लाइन ये हो जाएगी 61.6 है। अब हम यहाँ से प्रकार की हेल्प से हमने इसको रेडियस के बराबर ले लिया है, ये इसको हमने कंपास को साइड के बराबर ले लिया है। अब हम ए और बी को सेंटर मान के यहाँ पे आर काट देंगे ए और यहाँ से ए। अब हम जो हमारा नया पॉइंट आया था हाइट के बराबर, इसको सेंटर मान के यहाँ से और यहाँ से आर काट देंगे और इन सब को हम मिला देंगे। तो मिलाने के बाद हमारा यहाँ पे पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा। इसको हम कलर चेंज कर रहे हैं, इसको पिंक, इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये सिमिलरली यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा पेंटागन ए
बी सी डी और ई। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड से पेंटागन को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड रिमेम्बर रहे आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो।